अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू रिया टेक्निकल। और आज जो आप ये वीडियो देखते रहिए, क्योंकि आज जो है मैं बड़ी मजे की टेक्निक देख रहा हूँ, बहुत ही कमाल की टेक्निक देख रहा हूँ। तो आज आप ये वीडियो देखते रहिए, मैं आपसे कोई टेक्निक शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ निकल के आ रही है, वो है फेसबुक की तरफ से। फेसबुक के जो है न्यू फीचर लॉन्च हुए हैं, जैसे कि मेंशन और रिएक्शन का जो है न्यू फीचर लॉन्च किया है। मेंशन से जो है आप अपने मैसेजेस को हाईलाइट कर सकते हैं, और रिएक्शन से जो है आप अपने मैसेज के साथ जो है कोई भी रिएक्शन सेंड कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। दोस्तों अगर यहाँ पर न्यूज़ है वो जो है फेसबुक की तरफ से ही है, यानी कि फेसबुक ने एक और जो है फीचर पर टेस्टिंग कर रहे हैं कि अब जो है जीप जो है बटन लॉन्च करेंगे। अब वो बहुत जल्दी इस पर जो है टेस्टिंग जारी है। वो जीप बटन जो है लोगों को काफ़ी इंतज़ार था, काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार था। अब जो है वो अपने पिक्चर्स को एनिमेटेड की तौर पर जो है इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जीफ बटन जो है बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगा। दोस्तों अगले जो यहाँ पर न्यूज़ है वो है ऊबर की तरफ से। ऊबर की तरफ से जो है अभी एक्सीडेंट हुआ था दो तीन दिन पहले ही, और जो है ऊबर के जो है 2017 जो है इतना अच्छा नहीं गुजरा। और उनके जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी जो है कहा है कि इतना अच्छा जो है नहीं गुजरा, क्योंकि ऊबर की तरफ से उनको जो है कमेंट्स अच्छे नहीं मिल रहे थे, नेगेटिव मिल रहे थे। और जो है उनका एक्सीडेंट हुआ, लेकिन जो सवारी कर रहे थे, यानी कि जो ड्राइवर और जो पीछे उनके कोई भी बैठे था, वो जो है सारे बच गए हैं इंसान, और जो है बस गाड़ी को जो है ज़्यादा हुआ है। दोस्तों अगले जो यहाँ पे न्यूज़ है वो है रोबोट्स की तरफ से। पहले तो आप देखते होंगे कि रोबोट्स फिल्मों में होते हैं और रेस्टोरेंट में भी, जब जो है चाइना के रेस्टोरेंट में भी जो है आने लगे हैं, लेकिन अब जो है दुबई में बहुत जल्दी इनको लॉन्च कर दिया जाएगा। सिर्फ रेस्टोरेंट में नहीं, बल्कि अब जो है ये पुलिस की तरह जो है आएंगे। जी हाँ, अब जो सिक्योरिटी के तौर पे जो है रोबोट्स आएंगे, और जो है ये दुबई में लॉन्च किए जाएंगे सबसे पहले, बहुत जल्दी लॉन्च किए जाएंगे। और जो है इनके सामने एक स्क्रीन लगी होगी, जैसे कि आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, और आप जो है क्वेश्चन करेंगे वो जो है स्क्रीन के थ्रू आपको जो है आंसर देगा। तो बहुत अच्छा फ्यूचर है। तो हम बेसब्री से जो है इंतज़ार करेंगे कि कब जो है पाकिस्तान में ये फ्यूचर लॉन्च होगा। दोस्तों अगले जो यहाँ पे न्यूज़ है वो है अप टाइम की तरफ से। अप टाइम ने जो है एक न्यू जो है ऐप जो है लॉन्च किया है, अप टाइम उसको जो है नाम है। अब जो है वीडियो आप यूट्यूब के वीडियो इजीली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और जो है उसके साथ अगर आपने कोई फिल्म देखनी होती है तो आपने जो है अपने फ्रेंड्स के साथ देखनी होती है, अपने कजन्स के साथ देखनी होती है, तो आप जो है वो शेयर नहीं कर पाते। लेकिन अब जो है ये अप टाइम जो है बहुत जल्दी लॉन्च होगी, और जो है ये इससे जो है आप ईजीली चैट भी कर सकते हैं, और जो है वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर जो यहाँ पे न्यूज़ है वो है इंस्टाग्राम की तरफ से। इंस्टाग्राम ने जो है न्यू फीचर लॉन्च किया है, जैसे कि अब आप कोई पोस्ट देखते हैं जो कि आप नहीं देखना चाहते, वो पोस्ट अब जो है आप सेंसर कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। कोई भी पोस्ट हो जो कि आप नहीं देखना चाहते, अब वो जो है पोस्ट आप डिलीट कर सकते हैं अपने कॉन्टेक्ट से, अपने जो है इंस्टाग्राम के आईडी से, वो जो है कभी भी आपके पास नहीं आएगी, ब्लॉक हो सकते हैं। तो बहुत अच्छा ये फीचर लॉन्च किया है। जो भी आप पोस्ट नहीं देखना चाहते उसको जो है सिंपली ब्लॉक के बटन पर क्लिक कीजिए, और सेंसर आप जो है कर सकते हैं उसको। तो ये जो है बहुत अच्छा फ्यूचर है। दोस्तों अगले जो यहाँ पे न्यूज़ है, आपको इतनी बेसब्री से ये न्यूज़ का इंतज़ार होगा कि सैमसंग S8 और S8 प्लस कब आएगा। सबके मुंह में बस एक ही सवाल था कि कब आएगा। तो फाइनली इसकी डेट का पता चल गया है, और ये जो है अप्रैल में ही आएगा। ये जो मंथ स्टार्ट हो गया है अप्रैल में ही आएगा, और जो है मैं इसकी प्राइस आपको बताता चलूँ कि $750 जो है सैमसंग S8 की प्राइस है, और सैमसंग S8 प्लस की जो प्राइस है वो है $850 में आपको जो है मिलता है। तो काफ़ी अच्छे इसमें फ्यूचर्स हैं, फिंगरप्रिंट्स हैं, और जो है कैमरा इसका काफ़ी अच्छा है, और सेंसर इसमें काफ़ी अच्छे हैं। तो काफ़ी इसमें जो है न्यू फ्यूचर आए हैं। आप जो है आप आइस से जो है लॉक स्क्रीन अनलॉक भी कर सकते हैं, और जो है लॉक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा जो है फ़ोन है, और ये जो है 2017 में अप्रैल में लॉन्च होगा। अप्रैल 21 को तो आप जो है इसको ले सकते हैं। तो देखना ये है पाकिस्तान में अब कब आएगा। तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए इतना ही, क्योंकि दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। आप बने रहिए हमारे साथ, और बोलते रहिए पाकिस्तान जिंदाबाद।